गई है। राजस्थान में बढ़ते कोरोना को लेकर सरकार बेहद सख्त हो गई है। अशोक गहलोत सरकार ने नई गाइडलाइन को जारी कर दिया है। खबर यह है कि 9 जनवरी तक कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। शादी समारोह में सिर्फ 100 लोगों को बुलाने की इजाजत दी गई है। बड़ी खबर राजस्थान से आपको दे रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में बढ़ते कोरोना मामले को लेकर सरकार सख्त हो गई है। गाइडलाइन नई आ गई है अशोक गहलोत की, और अशोक गहलोत की तरफ से गाइडलाइन में कहा गया है कि अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। और ये गाइडलाइन खास तौर पर लोगों के लिए जारी कर दी गई है ताकि लोग सावधानी सतर्कता बरते। राजस्थान में बड़ी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और उसी को लेकर हर एक राज्य सरकार अपने कदम बढ़ा रही है, यानी सख्ती से नियमों का पालन करवाने की बात कह रही है। ये सभी प्रतिष्ठान मंगल करें, अपने अपने प्रतिष्ठान मंगल कीजिए। नमस्ते को में कोरोना 30 दस्तक दे चुका है, इस चीज का आप ध्यान रखें, कोरोना गाइडलाइन की पालना करें। कोरोना की गाइडलाइन के बारे में आपको पहले ही अखबार और टीवी के माध्यम से बता चुके हैं, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है भाई, ये भागने की जरूरत नहीं है, मास्क लगाए भाई। वो भी बता रहे, ये मास्क लगाए, ये अनावश्यक न घूमे, अपने घर जाए भाई। प्रतिष्ठान खुले हैं तो मंगल करें, 10 बजे का टाइम है और कर्फ्यू 11 बजे से कर्फ्यू है। कर्फ्यू के दौरान कोई घूमता मिला तो उस पर कार्रवाई होगी। जिनके भी प्रतिष्ठान खुले हुए हैं मंगल कर लें। ये ध्यान दें सभी भाई, जितने भी व्यापारी गण हैं, 10 बजे का टाइम है प्रतिष्ठान मंगल करने का, 11 बजे से कर्फ्यू है, उस कर्फ्यू का ध्यान रखें आप। कर्फ्यू के दौरान अगर कोई घूमता मिला तो उस पर कार्रवाई होगी। इमरजेंसी के अलावा किसी को छूट नहीं है।